हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोफिया। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला। इसकी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मेथी लिया है, सूखा मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 तेज़पात का पत्ता ये बड़ा लिया है मैंने, और 5 आपकी साबुत मिर्चें हैं। कढ़ाई उसमें मसाले में धनिया थोड़ा ज़्यादा होता है। ये कोई भी आप कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, कढ़ाई चिकन बनाएंगे, कढ़ाई फिश बनाएंगे, कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो उसमें आपका धनिया का टेस्ट उसमें ज़्यादा आता है। तो ये मैंने पैन लिया है, ये गर्म है। हम इसके अंदर अपना धनिया डालेंगे, इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। सारे मसाले रोस्ट करने हैं हमें। सबसे पहले आप अपना साबुत धनिया डाल लीजिए, थोड़ा सा इसे आप चलाएंगे। फिर आप इसके अंदर अपना ज़ीरा, इसे ज़ीरा डाल के थोड़ी देर आप इसे चलाइए। इसके बाद इसमें काली मिर्ची, मसाला रोस्ट करके उसमें अच्छी खुशबू आ जाती है, और आप इसे रख भी सकते हैं अपने पैक करके। इसे ये आपका आराम से यूज़ हो सकता है 2 या 3 डिश में। इसके बाद आप अपना मेथी डालिए, मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हमें मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अपना तेज़पात डालेंगे और साबुत मिर्चें। आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करिए। कढ़ाई मसाला हमारी काफ़ी डिशेस में काम आता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। आपके पास अगर मसाले रेडी हों तो आप अपनी कोई भी रेसिपी जो कि आप बनाना चाहते हैं इस मसाले के, वो जल्दी बना सकते हैं। ये हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के बस हल्का सा ही पीसना है, थोड़ा दरदरा रखें इसको। इसे हम बंद करते हैं। ये देखें, ये आपका रेडी है कढ़ाई मसाला। ये थोड़ा दरदरा ही आप इसे रखिएगा इस तरीके से। ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है, इसमें धनिया का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मुझे मेरी रेसिपी को शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।